आज की जो बैठक थी, ये बैठक जो है ये थाना ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की बैठक है। ये थाना ग्रामीण कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के नाते ये मैंने बैठक आयोजित किया है। इस बैठक में हमारे सभी तालुका अध्यक्ष आए हैं, हमारे महिला अध्यक्ष इधर आए हैं, हमारे सब युवक कांग्रेस के पदाधिकारी इधर आए हैं। और ये जो बैठक आयोजित की है, इस बैठक में हमने एक मुद्दा रखा है कि ये जो एनसीपी की जो सीट जो महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ये भिवंडी में जो डिक्लेयर किया थी की थी, उसमें हमारी वापिस, हमारा यही मुद्दा है कि इस भिवंडी के अंदर एक दो दिन और सर्वे करें महाविकास आघाड़ी के माध्यम से। ये जो राष्ट्रवादी की सीट जो डिक्लेयर की है, इसके ऊपर और एक बार सर्वे करें, और सर्वे में क्या है क्या नहीं वो हमारे वरिष्ठ नेताओं को दिखना चाहिए। और उसके बाद अगर हमारी कांग्रेस पार्टी, ये पारंपरिक जो सीट हमारे कांग्रेस पार्टी की थी, ये जब देश स्वतंत्र हुई थी तब से इस भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में हमारा उम्मीदवार कांग्रेस से लड़ रहे थे और 9 बार हमारा उम्मीदवार इधर चुन के आए थे। 2014 और 2019 में हमारी सीट नहीं आई, लेकिन इसका ऐसा कारण नहीं है कि हम इधर पराभूत हुए। कारण पूरे देश में ऐसे उम्मीदवार पराभूत हुए थे, कोई 3 लाख 4 लाख मतदारों से पराभूत हुए थे। हमारा जो 2014 में हमारी सीट 1 लाख वोटों से हरी थी, और 2014 में सिर्फ 22 दिन बाकी थे तब सुरेश टावरे को ये सीट जाहिर की, तो भी अच्छी सी फाइट उसने दी और 1.5 लाख वोटों से हमारी सीट इधर हरी थी। लेकिन क्यों हरी, इसके लिए हम पूरे हमारे टीम ने, पूरे थाने ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारी ने, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सब ब्लॉक अध्यक्ष ने, हम लोगों ने तय किया। हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हमको पता है कि ये जो सीट है कांग्रेस पार्टी की सीट है और ये कांग्रेस को ही मिलेगी। इसके लिए हमने पूरे 5 साल मेहनत की और उसका मेहनत आज पूरा फर्स्ट गांव से लेके पिछला गांव है, कोई भी वो छोटा बच्चा से लेके बड़ा जो कोई भी कार्यकर्ता रहो, हर नागरिक चाहते हैं कि इधर कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए और इस जगह पे कांग्रेस 100% चुन के आएगा। और जिनका ये भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई वजूद नहीं है, कोई वोटर नहीं है, मतलब वो तीसरे स्थान पे है कि चौथे स्थान पे, वो भी हमको मालूम नहीं है। क्योंकि हम एग्री करते हैं कि फर्स्ट स्थान जो है वो शिवसेना का है, लेकिन सेकंड जो स्थान है वो हमारा है, और थर्ड जो स्थान है तो भिवंडी का जिसका होगा तो सपा का है। राष्ट्रवादी किधर है हमको पता ही नहीं है। कल्याण पश्चिम में और मुरबाड़ में राष्ट्रवादी दिख ही नहीं रहे। बदलापुर में हमारे जो बदलापुर का अध्यक्ष है, उसने जब मीटिंग लगाई थी, उस मीटिंग में कुछ राष्ट्रवादी के कार्यकर्ते आए थे, और हमारे जो शहर अध्यक्ष ने, संजय यादव ने, हमारे पदाधिकारियों को बताया कि तुम लोगों ने जैसा जैसे बीएलए का बूथ प्रमुख का जो तुम नियुक्ति किया है, और जो जो वार्ड में बूथ प्रमुख है, जो जो वार्ड में बीएलए है, वो क्या काम करना चाहिए वो पूरा काम बता रहे थे। तब तक उधर के कुछ एनसीपी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने उनको बताया कि बीएलए क्या होता है, बूथ प्रमुख क्या होती है। और जो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को बीएलए मालूम नहीं है, जो बूथ प्रमुख क्या है वो उनको मालूम नहीं, तो मुझे लगता है कि इसमें वो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए थे। और मैं आज थाने ग्रामीण की जो बैठक रखी है, वो बैठक इसीलिए रखी है कि हम लोगों ने एक ठराव पास किया है, सब थाने ग्रामीण के, सब कांग्रेस के
तालुका अध्यक्ष है, सब हमारे पदाधिकारी, सब महिला अध्यक्ष, सभी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी, सब लोगों ने हम लोग एक ठहराव लिखा है कि ये जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट है इस पे वापिस विचार करें, और ये जो एनसीपी को जो सीट दी है इनको प्यार से बुला के साइट करो, और ये भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में पूर्ण विचार वापिस विचार करे, इसके लिए हमने ही बैठक आयोजित की। आपने कहा कि मतलब कि दो दिनों का आपने फिर से समय मांगा है सर्वे का, ऐसे नहीं लगता आपको कि दिन ब दिन समय घटता जा रहा है और कांग्रेस को इसका नुकसान भी देता है, क्योंकि 22 दिन इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें 22 दिन का मात्र आपको समय मिल गया और उसमें चुनाव भी हार, मतलब कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो हार गया, ठीक है। लेकिन अभी वातावरण हम जो पिछले बार जो कम दिन में कांग्रेस को उम्मीदवारी दी उसमें जो काम करने की जो पद्धति थी वो अलग थी, और अभी मैं जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना और मैंने जो 3 साल में जो मेहनत की है वो हमको 10 दिन में भी अगर कांग्रेस का टिकट मिलेंगे ना तो भी हम भरी वोट से चुन के आए। 2 दिनों में अगर निर्णय नहीं आया फिर भी तो क्या रहेगा जिस तरह से देखा जाए कि देखिए अगर 2 दिन में हमको निर्णय नहीं आया तो हमारे सब पदाधिकारी, हम सब लोग हमारे प्रदेश कार्यालय में जाएंगे और हमारे जो नेता लोग हैं उनको हम पूछेंगे कि आगे की रणनीति कैसी रहेगी और ये कौन सा हिसाब से आपने एनसीपी को सीट छोड़े है, वो हम हमारे नेता लोगों को पूछेंगे, और उसके बाद में जो नेता लोग हमको बोलेंगे वो हिसाब से हम हमारा बाले मामा का मानना ऐसा है कि दयानंद चौधरी उनके छोटे भाई और उनके साथ में काम करेंगे। देखो बाले मामा ने जो बताया है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ तो मैं भी बताता हूँ कि वो भी मेरा बड़ा भाई है, लेकिन राजकरण के बाजू में जो हमारा संबंध है संबंध में वो मेरा बड़ा भाई है, राजकारण में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता। सर अगर आपके आला वरिष्ठों से सपोर्ट करने की बात आएगी तो आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी क्या? वो हम तय करेंगे। दयानंद चौधरी अपक्ष की बात करते क्या अपन दयानंद चौधरी अपक्ष उतरेंगे चुनावी मैदान से? देखो मैंने पहले आपको बताया है कि हमारे कोंकण की बैठक हुई, उस बैठक में हमारा नाम ऐलान हुआ है, सभी कोंकण के कार्यकर्ताओं का एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं अपक्ष लड़े। देखो मैं अभी भी बताता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ लेकिन मैं प्रेसिडेंट को ज़्यादा भाव नहीं देता हूँ, मैं मेरे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा भाव देता हूँ। अगर एक तरफ कार्यकर्ता और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अगर मुझे बोलेंगे तुमको कार्यकर्ता चाहिए क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चाहिए, तो मैं वो टाइम पे बोलूँगा मेरे को कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की वजह से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना हूँ, और कार्यकर्ता अगर बोलेंगे मेरे को लड़ना है तो मैं लड़ूँगा। फिलहाल अभी पाले मामा किसी प्रकार का प्रचार नहीं करेगी कांग्रेस सारी वजूड के क्यों हम क्यों प्रचार करें, तुम्हारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है तो हम प्रचार क्यों करें, एक हमको बता दे क्या तुम्हारा अस्तित्व क्या है वो हमको बताओ, क्या हमारी कितनी ताकत है हमको बताओ ना, कल्याण में तुम्हारी कितनी ताकत है, मुरबाड़ में कितनी ताकत है, भिवंडी में कितनी ताकत है, शाहपुर में कितनी ताकत है, भिवंडी रूलर में कितनी ताकत, वो ताकत जो है ना वो हमको बताइए, उसके बाद में हम तय करेंगे तुम्हारा काम करेंगे। देखिए मैं अभी भी आपको बताता हूँ, एक छोटा बच्चा जब बड़ों को हट करते ऐसा ये हमारे जो नेता लोग हैं कांग्रेस के, उस नेता लोगों को राष्ट्रवादी के नेता लोगों ने ब्लैकमेल किया है कि ये हमको कोई भी हालत से ये हमको सीट चाहिए। देखो एनसीपी ये महाराष्ट्र में ही पार्टी है, शिवसेना ये महाराष्ट्र के अंदर पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ये पूरे देश में पार्टी है। इसके लिए ये छोटे छोटे जो बातें होती है उसमें कुछ ना कुछ हमारे जो नेता लोग हैं वो लोगों को कुछ मिसगाइड किया, ये हिसाब से ऐसी हमारे जो है सीट हो गई। आपके मित्र पक्ष जो शिवसेना है बाला मामा के समर्थन में आपको ऐसा लगता है क्योंकि उनका किसी प्रकार का विरोध है? देखिए हम हमारे गठबंधन में शिवसेना है और हमारे गठबंधन में अगर भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर मैं किसको बड़ा भाई मान सकता हूँ तो शिवसेना को मानता हूँ, हम शिवसेना के साथ में हैं,
शिवसेना का जब टाइम आएगा हम शिवसेना के साथ में रहेंगे, हमारा टाइम आएगा सेना हमारे साथ में रहेंगे। देखिए कोकण में सिंधुदुर्ग शिवसेना को गई है, हम उसको मदद करने वाले हैं। रायगढ़ शिवसेना को गई है, हम उसको मदद करेंगे। कल्याण शिवसेना को गई है, हम उसको मदद करेंगे। मावल शिवसेना को गई है, हम उसको मदद करेंगे। पालघर शिवसेना को गए, हम उसको मदद करेंगे। लेकिन जिसका वजूद ही नहीं है हम इसको क्यों मदद करें। बस बस ओके 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 ओके।